Assalamualaikum, welcome back to my channel. मैं हूँ आप सबकी बान. आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे. मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. सो हम लोग अभी जा रहे हैं खाना खाने के लिए बाहर. आज बच्चों की ऑफ है और हर ऑफ के टाइम पे कितना अटक रही हूँ. और मतलब हर टाइम पे ये लोग कुछ बोलते हैं कि मम्मी आज घर में बना दो. मैं कुछ भी, जैसे स्पेशली चिकन अंगारा बनाना होता है, मटन अंगारा होता है या फिर फिश होती है, जो भी है. बट आज अफशा बोले हम नहीं बनाएंगे, हम आज जाएंगे बाहर खाने के लिए. सो मैं आई हूँ मेरी मम्मी को यहाँ पे लेने के लिए. मम्मी को साथ में लेके जा रही हूँ, वो लोग वहाँ पे वेट कर रहे हैं, मैं आप लोगों को मिलाती चली आई हूँ. सो हम लोग, वो अभी सूखेगा, उसको टाइम लगेगा सूखने के लिए. सो हम लोग अभी निकल रहे हैं. आधे लोग बाइक पे जाएंगे, आधे नहीं, दो जन बाइक पे जाएंगे और दो जन तीन जान जो है वो जाएंगे रिक्शा में. सो हम लोग निकलते हैं अभी बाइक पे. बाय बाय, सब बिजी. जब ये ना पहले छोटा सा रहता था यहाँ पे, सब बंद होता था दरवाजा फैमिली के लिए, है ना. अभी बंद कर, अभी यहाँ ऑर्डर दो. चलो तो चलिए आपसे मिलते हैं, हम ऑर्डर देते हैं और फिर उसके बाद खाना जब आएगा तो आपको बताएंगे. आप तो वही देते हैं, हम मंगाते हैं. ठीक है, मिलते हैं आपसे. हाँ नहीं, क्या हो गया मन में, इन्होंने मेरे को ऊपर थी, मैं तू गया, मेरे को रूम पूरा साफ करना था. ठीक है, मैंने पूरा रूम साफ करी ना, साफ करके हुआ और मैंने ऐसे बस एक झलक मिली टाकी के लिए पानी है कि नहीं, क्योंकि अभी दो दिन से ना पानी बहुत कम आ रहा है. तो मेरे पानी है कि नहीं ऊपर में देखने के लिए देखी, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि पानी टाकी में है नहीं है. तो मैंने ना उनको क्या बोली कि पानी चालू कर दो, तो पानी चालू कर दिए और मैं बात ही कर रही थी, तो वो जो पीओपी किए थे ना नासिर भाई, वो आ गए नीचे. मैं अफशा बोली मामा को फ़ोन करके बुला, वो नासिर भाई है, उससे बात करनी. अरे अपने वो रूम का जो पीओपी किया ना, हाँ वहाँ का जो पीओपी किया ना, तो मैं हाँ ना, तो मैं वो बात करने के लिए थोड़ा मैटर था, तो वो बात करने का क्लियर कर दिया. तो वो बात कर रही थी मैं, तो मैं वो नीचे आ गए, तो मैं बोली कि अब मामा नीचे आए, तो मैं बात करने के लिए नीचे उतरी, वो मेरे दिमाग से निकल गया कि मैं टाकी चालू कर लूँ और वो पानी, और अभी सब नीचे आ गए लॉक करके, अंदर से नीचे आ गए. तो फिर क्या हो गया था कि पूरा पानी ओवरफ्लो होके घर में इतना पानी हो गया, और फिर इतने में सकलिन ऊपर चला. सोच वो कितने बजे जब आया ऊपर चला, उसने आवाज़ दिया मेरे को, बोला मम्मी तो मैगी बना, मैं ऊपर जाता फिर आता नीचे. और जब मैं ऊपर जाऊँ तो मम्मी चिल्ला रही हूँ, क्या हूँ क्या हुआ. ऊपर जाके देखे तो पूरा पानी ना, मतलब पूरा भर गया था. अच्छा, और गड्ढा जो है ना वो फ्लोट हो रहा था, खराब हो गया. हाँ वो तो मैं ऊपर मैंने आपको घर पे चल के दिखाऊंगी कि देखो मेरा कैसा भी मैं बस एक वीडियो है, मैं स्टेट डालती देख लेना कि क्या हुआ था. क्योंकि वैसा मतलब यहाँ आने से पहले वो इंसिडेंट हुआ अचानक, यहाँ हम लोग का आने का तो प्लान था, पर वहाँ आने से पहले वो इंसिडेंट हुआ. मैं आपको दिखा रही हूं, आप देख लेना. मन कर पूरा सजा दिए हमें. भेजा खीमा, ये भी पराठा, बटर नान. आवाज़ आ रही है क्या पता नहीं, क्योंकि बहुत शोर हो रहे हैं. बटर नान, मजा आ रही है. तड़का जीरा राइस, जगह पे जो मिलता है वो जगह पे मिलता. हाँ, गरम खाने का मज़ा ही आ रहा था. अब जब मंगा सकते थे, पर देखो ना एक जाके खा के खाना है तो अलग ही होता है. खाने का एक हफ्ते में एक बार निकलने का फैमिली खाने का देख. लॉलीपॉप फ्राइड राइस, मीठा
तो बनता है ट्रेन का फेवरेट कस्टर्ड, कैरेमल कस्टर्ड। ये गर्मी कितना, ये मेरे को बेचते रहता है इंस्टाग्राम पे हमेशा, ये वाला कस्टर्ड ओरिजिनल अंडे का, जो उन्होंने देसी अंडे दिए ना उसका है ना। मैं बोली बताती ना बोलते थे मुझे बचपन में बोलते थे बताते वो समझा अल्लाह रे बेचारा रे प्यारे। चाबी दे उसे, जल्दी चाबी दे। अरे पानी भरेगा तो क्या होगा बाबा, घर में पानी अब नहीं भरेगा। सगले की शादी कराओ, दहेज में घर तो आएगा। दहेज में करना, ये दहेज लेना अच्छी बात नहीं है। नहीं अच्छी बात नहीं। तो देखो आप देख सकते हैं ये पूरा गद्दा, एक मिनट ना मैं ये पूरा ये पोछती हूँ पूरा। ये देखिए आप देख सकते हैं ये पूरा गद्दा मेरा है जो भीग गया है, फ्लोट हो रहा था पूरा, ऐसा फ्लोट हो रहा था ये वाला। ये कपड़ा पूरा भीग चुका है और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी पूरा, ये भी नहीं है गद्दे, ये गद्दा भी हम लोग डाल रहे दूसरा, क्योंकि ये पूरा पानी, इसके नीचे पानी, इसके नीचे पानी, इसके नीचे पानी, सब पानी पानी हो गया था, बता सब पानी पानी हो गया था। इसके ऊपर एक ये वाली डाल दे, ये गद्दा अभी ऐसा होता है जैसा गाँव में आते ना वैसा, अच्छा और डालते ना गद्दा वैसा है। अच्छा बड़ा वाला था वो अच्छा था, अभी वो तो फिलहाल भीग चुका है ये पूरा कपड़ा। अच्छा यहाँ पे टोटल ये सब कपड़ा पूरा भीग चुका है पूरा, ये धुल गया है, पानी पानी हो चुका था। बताती हूँ मतलब ये था कि मैं बताती हूँ, मैंने वो बोली मम्मी देखो मेरे को मार रहा है, चार्जर है ना, तो रुक ना मेरे पास चार्जिंग नहीं अभी मेरे पास, चार्जिंग के लिए भी लड़ते हैं। इसका लगाया मैंने वॉच का, इसने बोली मम्मी क्या बोली अक्षय तुझे, ये मेरी वॉच का है। अच्छा अभी वॉच में लग गया, अभी इसके ऊपर चद्दर बिछाना है। वॉच तो मेरी वॉच का किधर है, 110% क्या है। सो सकलेन हमारे साथ में नहीं आया था क्योंकि जिम इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हिम एंड ही इज ऑन डाइट, सो सकलेन वी ब्रॉट चिकन फॉर यू। हम लोग होटल गए थे खाना खाने के लिए, रियाज होटल जो हम लोग हमेशा जाते थे पहले, वो प्लेट विथ यू और आई टेल अफशा टू ब्रिंग इट। हसरा कहता सो हम लोग, और सबसे पहले तो वेरी गुड मॉर्निंग, हम लोग अभी जा रहे हैं, जैसे डॉक्टर ने बताया था कि एमआरआई करना है, तो हम लोग सुबह सुबह अभी जा रहे हैं एमआरआई कराने के लिए। तो आप लोग दुआ करें इंशाल्लाह कि अच्छी रिपोर्ट आए और अच्छे से हो जाए बस जो भी है, फिर हम लोग को कल वापस ही दवा, जब रिपोर्ट आ जाएगी फिर हम लोग को डॉक्टर के पास में वापस जाना है दिखाने के लिए। सो चलिए अभी हमारे एमआरआई करने चलते हैं, तो वहाँ से आके आपको, वहाँ से आप आने के बाद आपसे मिलते। एमआरआई अंदर हो रहा है, हम आए हैं एनएम मेडिकल सेंटर, और जैसे आपको पता है कि सिर्फ 1% अलाउड है, सो मैं बाहर बैठी थी और मेरे पास में सब सामान था इसलिए मुझे अंदर। फिर हम लोग ने मिसल पाव खाया कि जैसे आपको पता है कि मॉर्निंग से गए थे और कुछ खाया नहीं था, तो वहाँ पे हमने खाया और वो बहुत बहुत तीखा था, तीखे की वजह से मैंने तो ज़्यादा खाया नहीं था, मुझे इतना तीखा लग रहा था कि मैंने नेक्स्ट में एक केक शॉप थी वहाँ से मैंने केक लिया और केक मैंने खाया जब जाके थोड़ा, क्योंकि पानी पीने के बावजूद भी मेरी वो जो तीखापन था वो कम ही नहीं हो रहा था, तो मैंने ये खाया तो मुझे उसके बाद में वो बेटर लगा। ये कितना क्यूट लग रहा था, जो जिंगल बैल था वो भी बहुत क्यूट लग रहा था, इसलिए मैंने इसको कैप्चर किया है। और इन एडवांस आप सभी को मेरी क्रिसमस बहुत बहुत, 31st की भी शुभकामनाएं हैं आप सबको। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे छोटी छोटी जो चीज़ें होते हैं सब अपने घरों में डेकोरेशन के लिए लेके जाते हैं यहाँ पे। सो दिसंबर इज ऑन, दिसंबर में आप देख सकते हैं हिल रोड के ऊपर कितना अच्छा पूरा आज बंगालन बन गई है, तो डेकोरेशन बहुत अच्छा किया हुआ है, लाइटिंग वगैरह आप देख सकते हो कि लाइटिंग से कितना कितना प्यारा लगता है, चाहे फिर वो ईद हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो, बहुत प्यारा लगता है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है हमारा हिल रोड देखिए आप। और अभी दिसंबर की एंड तक ना, दिसंबर की एंड तक, हाँ आन बान शान बांद्रा इस महान।
हम लोग आए थे यहाँ पे टीवी देखने के लिए और हम लोग ने सैमसंग का टीवी पसंद किया है। सो आज तो आउट ऑफ स्टॉक है, हमारी डील हो चुकी है, हम लोग को ये टीवी कल आ जाएगा घर पे। सो कौन सा टीवी लेने का तुमको? सैमसंग का टीवी लिया अभी हमने। सैमसंग का टीवी ना हमने देखे हैं, LG टीवी देखा है यहाँ पर, यहाँ पे क्रोमा भी है, सब है यहाँ पर। बट हम लोग को जो सिस्टम है और सब चीज़ जो फैसिलिटी मतलब इसमें है, हमने वो सेलेक्ट किया है सैमसंग का टीवी। अच्छा लगा, इसकी क्लैरिटी भी अच्छी है, सो हमने ये टीवी लिया। कल बिग बॉस देखते देखते हम लोग का टीवी का डिस्प्ले चला गया और बिग बॉस हम मिस नहीं कर सकते, इसलिए हम टीवी लेने के लिए चले गए थे। हम लोग वहाँ से अभी आए हैं और अभी हम लोग खाना खा रहे हैं, जा रहे हैं क्योंकि बहुत भूख लगी है। और मैंने खाने में बनाया है, आपको दिखाती हूँ मैंने आज खाने में क्या बनाया था, आइए देखिए। मैंने बनाया चना मसाला, फरद बीन और पालक पनीर। तो आप लोग खाने के लिए खाना खाए बाद मिलते हैं। तो ठीक है, मैं जा रही हूँ अभी खाना खाने के लिए। मैंने अपने फेस पे हिजामा करवाया, हिजामा बहुत अच्छी चीज़ है ब्लड सर्कुलेशन के लिए। अब देख रहे हैं जो ब्लड हमारे फेस पे फेस से बॉडी तक का जो सर्कुलेशन होता है इज़ गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो। और हमारी वैसे भी ये सुन्नत है तो हमको करवाना चाहिए, बहुत बेनिफिट है, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है ये चीज़। मैंने और अफशा ने आज हिजामा करवाया है, हिजामा की डेट है, सुन्नत डेट पे अगर आप हिजामा करवाते हो तो उसके बहुत ही बेनिफिट, बहुत ही फ़ायदे हैं। जैसे कि सुन्नत डेट पे से हमारी सुन्नत अदा हो जाती है, दूसरा हमारे 70 बलाओं से और किससे बोले था जादू टोना से हमको इसमें बच जाते। सो हम लोग ने हमारे पैर पे हमारे फेस पे आप देख सकते हैं, मैंने भी करवाया, अफशा ने भी करवाया है फेस के ऊपर। फेस पे हमारा करने का एक ये रीज़न था कि मुझे ब्लैकहेड्स हो रहे थे तो मैंने ब्लैकहेड्स के लिए करवाया है। एक्चुअली ब्लैकहेड्स नहीं था मेरा, व्हाइटहेड्स का था। जब बस अभी स्टार्ट हुआ था सोचा मैंने कि खून आपको आप देख सकते हैं ब्लॉग में कि कैसे पूरा ब्लड निकल रहा था। और अफशा ने तो ऐसे ही मतलब सर उसका हेड पेन हो रहा था, जैसे माइग्रेन पेन होता है उसके लिए फ़ायदेमंद है। और किस चीज़ के लिए अफशा? अफशा की गौर से देख ली, मैं देख रही हूँ निशान, निशान के लिए आप ज़रा भी नहीं डरना, निशान सिर्फ 2 दिन तक रहते हैं उसके बाद में निकल जाते हैं। आपको ये करने के बाद में सिर्फ एक खोपरे का तेल आपके फेस पे लगाना है। और मैं उनकी आईडी मेंशन कर दूँगी इंस्टाग्राम का। हाँ एक मिनट से तो पूरा तो बोल के जा, इंस्टाग्राम की आईडी है उनकी अल शिफा हिजामा थेरेपी। और अभी हम लोग जा रहे हैं मेले में, तो मेले का ब्लॉग अफशा के ब्लॉग में देखना। तो इसलिए मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत ही जल्दी, इसके लिए आपको वेट करना होगा। और तब तक के लिए आपको क्या करना है, दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, लव यू।